सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इंदौर में खेले गए आईपीएल 2018 के 48वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। अपने दूसरे होम ग्राउंड पर आरसीबी के हाथों मिली 10 विकेट की करारी मात के साथ पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। साथ साथ आरसीबी के खिलाफ घटिया प्रदर्शन के चलते किंग्स इलेवन पंजाब के नाम आईपीएल इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में छोटी बाउंड्री होने के चलते सभी को पिछले मैच की तरह हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद थी, मगर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आरसीबी की घातक गेंदबाजी के सामने किंग्स 20 ओवर्स भी नहीं टिक पाए। 15.1 ओवर्स में महज 88 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच हाई स्कोर के लिए मानी जाती है, लेकिन यहाँ पंजाब ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। पंजाब ने इस साल आईपीएल का दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया। यही नहीं, वो आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है। इससे पहले भी आरसीबी ने ही किंग्स इलेवन पंजाब को 88 रनों पर ही समेट दिया था। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।